वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बिना अल्कोहल के हम हैंड सैनिटाइज़र किस तरह से बनाएं, बस यही बताने वाली हूं। तो यहां पर मैंने ली है कड़वे नीम की पत्तियां, जो कि बहुत ही अच्छी होती हैं, एंटीसेप्टिक होती हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है नीम के पेड़ में, नीम की पत्तियों में। तो बस नीम की पत्तियों को आपको लेना है और 2 से 3 बार आप उसे खूब अच्छी तरह से धो ले, क्योंकि पेड़ में लगे लगे भी पत्तियों में बहुत ज़्यादा डस्ट लग जाती है, इसलिए इसे 2-3 बार वॉश करना बिल्कुल ना भूलें। अल्कोहल के जो सैनिटाइज़र हैं दोस्तों, एक तो उसकी मार्केट में शॉर्टेज भी चल रही है, और क्यों ना घर पर ही हम इस साधारण चीज़ों से इस सैनिटाइज़र को बना लें, ताकि इस बढ़ते हुए वायरस इन्फेक्शन से खुद को भी बचा सकें और अपने परिवार को भी बचा सकें। तो मैंने यहाँ पर ग्राइंडिंग जार लिया है और इस जार में नीम की सारी पत्तियों को डाल दिया है, और बढ़िया अच्छा अब आपको इसका फाइन पेस्ट तैयार करना है। ये देखें, कुछ इस तरह से आपको नीम की पत्तियों का पेस्ट बना लेना है। बिल्कुल हर्बल तरीके से ही हम इस सैनिटाइज़र को बना रहे हैं। आप अपने हाथों में कम से कम 3 से 4 बार इसे ज़रूर लगाएं, और घर के सभी सदस्यों को बार बार इसे हैंड को सैनिटाइज़ करने कहें। जितना ज़्यादा इस समय हम साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, उतना ही अच्छा हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और सबके लिए होगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा सा इसे पतला कर लेते हैं क्योंकि पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा था। अब मैंने नीम के पत्ते को ही जो छन्नी होती है, बस वही छन्नी ले ली है छानने के लिए, और थोड़ी मोटे तार वाली छन्नी ली है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बारीक तार की छन्नी नहीं ली है, ताकि छानने में भी आसानी हो। तो खूब अच्छी तरह से हमें इस कड़वे नीम के पानी को छान लेना है, ताकि इसके जो छोटे छोटे बारीक बारीक पत्ते हैं वो हम जब हम इसे स्प्रे करें तो बीच बीच में आने ना पाएँ, इसलिए आप इसे खूब अच्छी तरह से छान लें। चम्मच की सहायता से बढ़िया दबाते हुए मैं इसे छान रही हूँ, और ताकि जो नीम की पत्तियाँ हैं उनका एक्सट्रैक्ट इसमें अच्छी तरह से आ जाए। कड़वे नीम का इस्तेमाल तो दोस्तों पुराने समय से ही किया जा रहा है। पुराने समय में जब भी कोई गंभीर बीमारी होती थी, उस बीमारी से ठीक होने के बाद नीम के पानी से उसे नहलाया जाता था, जिसे भी ये बीमारी होती थी। तो उससे ऐसा कहा जाता है कि शरीर में जो भी कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। घर की शुद्धिकरण के लिए नीम की पत्तियों को सुखा कर जलाया जाता है शाम के समय, आज भी गांव में जलाया जाता है। इससे मक्खी मच्छर बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और जो भी कीड़े मकोड़े वायरस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं जो हवा में होते हैं, वो सब मर जाते हैं। शुद्धिकरण का काम करता है नीम का पेड़, पर्यावरण को बहुत ही अच्छी तरह से ये साफ रखता है। तो अब आप देख सकते हैं नीम का ये जो पानी हमारा बन चुका है, इसमें मैंने डाल दिया दोस्तों 1 चम्मच डिटॉल। आजकल के बढ़ते हुए इस इन्फेक्शन को देखते हुए हमें इसे अच्छा पावरफुल बनाना है, ताकि हम जब इसे अपने हाथों को सैनिटाइज करें तो हमें तुरंत ही इसका रिजल्ट मिल सके। तो 1 चम्मच मैंने डिटॉल डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और अब आप इसे कोई भी स्प्रे की जो बॉटल हो आपके पास, आप वो बॉटल ले सकते हैं और उसमें आप इसे भर लें। ये ना सोचें दोस्तों कि हमारे हाथ कड़वे हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा हाथों में कड़ूपन भी आ जाता है, मान लीजिए ऐसा लगता है, वैसे तो मैंने इसे अच्छा डाइल्यूट कर लिया है, तो भी कोई बात नहीं है। तो बस फनल की मदद से आप इसे बॉटल में भर लें। बहुत से तो लोग दोस्तों, खासकर पुराने समय के लोग, तो सुबह के समय नीम की एक पत्ती को जरूर निगलते थे। आप चाहें तो काट कर इसे निगल भी सकते हैं, बहुत से लोग ये चीज़ करते आए हैं, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। बहुत सी बीमारियों की दवा है नीम की पत्ती, नीम का रस। इस सैनिटाइज़र में थोड़ी सी खुशबू के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कपूर। तो 4-5 मैंने कपूर की ये टैबलेट ली है, और बस आप चाहें तो इसी बॉटल में ऐसे ही डाल दें। कपूर थोड़े ही देर में पानी में घुल जाता है, और खूब अच्छी तरह से हम बॉटल को शेक कर लेंगे, ताकि कपूर की ये जो डलियाँ हैं वो अच्छी तरह से इसमें नीम के पानी में डिज़ोल्व हो जाएँ। और अब इस बॉटल का बढ़िया अच्छा टाइट ढक्कन लगा लें आप। कपूर का जो डब्बा है दोस्तों, उसका ढक्कन बहुत टाइट होना चाहिए, जिस भी डब्बे में आप रखें। कपूर बहुत ही जल्दी हवा के संपर्क में आने से भी उड़ जाता है। तो ये हमारा हर्बल हैंड सैनिटाइज़र तैयार है दोस्तों। यदि बाज़ार में शॉर्टेज है तो क्यों ना घर पर ही हम बिना अल्कोहल के इसे बना लें। जितना ज़्यादा हम बचाव करेंगे दोस्तों, उतना ही ज़्यादा इस वायरस से हम संक्रमित होने से बच सकते हैं। तो बस हाथों में इसे ले लिया, ये देखें कुछ इस तरह से आपको लेना है। अपने हाथों में अच्छी तरह से हथेलियों में लगाएं,
हाथों के पीछे लगाएं, उंगलियों की पूरी लंबाई में लगाएं और अपने पूरे नेल्स में इसे बहुत अच्छी तरह से लगाएं, ताकि हमारे हाथों में यदि जम्स लगा है, वायरस लगा है, तो वह ख़त्म हो जाए और किसी भी तरह का संक्रमण फैलने ना पाए। तो इस बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए दोस्तों ये हर्बल हैंड सैनिटाइज़र बहुत ही बढ़िया है। आप अपने घर पर इसे बनाकर जरूर रखें, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।